సిది సుజల్ సుజల్ సిద్ధి బంగారపాడా స్ట్రైకర్ ఇన్ పర్ అవినాష్ ఆర్ నాన్ స్ట్రైకర్ ఇన్ పర్ అశ్విన్ చిర్నేర్ కి ప్రారంభిక బల్లెబాజుకి జోడి చిర్నేర్ పహలే బల్లెబాజీ కరేగి సుజల్ సిద్ధి బంగారపాడా ఖిలాఫ్ ఆర్ గేందబాజీ ఓవర్ సంభాలే హువే మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లే కా పహలా ఓవర్ సిద్ధేష్ అవినాష్ నారంగికర్ ఆర్ అశ్విన్ పాడిల్ ఆర్ సిద్ధేష్ వాస్కర్ గేందబాజీ కి బ్యాక్డోర్ సంభాలే హువే మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లే కా పహలా ఓవర్ పాంచ్ ఓవర్ కా ముకాబలా అంపైర్ నీరజ్ రాణావత్ కా ఆజ్ కి రాత్ కా పహలా ముకాబలా శురూ హోనే కా ఇషారా తో దోస్తో చల్తే హై మైదాన్ కే బీచో బీచ్ క్రికెట్ కే ఇస్ థ్రిల్ కో దేఖ్నే కే లియే హమ్ జారీ హో రహా హై ఆజ్ కి రాత్ కా పహలా ముకాబలా జిస్ ముకాబలే కా టాస్ కియా తో కుమారీ ఇషా ఘరత్ నే ఔర్ టాస్ జీత్ కర్ పహలే గేందబాజీ కర్నే కా ఫైసలా కియా షార్ట్ ఫైన్ లెగ్ కే ఊపర్ ఏక్ సింగల్ కో జరూర్ చురాయా अश्विन और अविनाश ने अंपायर का लेक्सास के तौर पर खाता खुल चुका है टीम चिरनेर का विनीत स्पोर्ट्स चिरनेर बनाम सुजल सिद्धि बंगारपाड़ा और इसे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत बैकफुट पर गए स्ट्रोक के लिए जगह बनाई शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला डीप बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन अश्विन पाटिल बैकफुट पर गए स्ट्रोक के लिए जगह बनाई स्क्वायर कट खेला लेकिन शॉर्ट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से गेंद गई डीप बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर गोली के रफ्तार से चार रन टोटल बना पांच सिद्धेश वास्कर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाइक होल्डर है ये इस साल के लेकिन फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच मारने की कोशिश नाकाम रही गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में और वहीं पर रुका हुआ टोटल पांच रन बगैर नुकसान तीन गेंदों की समाप्ति पर तीन गेंदों की समाप्ति पर पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं मेरे दोनों स्कोरर मुस्तैदी के साथ स्कोरिंग हो रही है उनके द्वारा ये देखिए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर फील्ड तो जरूर की गेंद थोड़ा डीले हुए शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी रोशन टीम का टोटल छह पर आता हुआ बगैर नुकसान पहला ओवर चल रहा है महेश स्पोर्ट्स शेलगर विधायक ट्रॉफी 2017 छठा साल और छठे साल की दूसरी रात का पहला मुकाबला पहला ओवर पहले मुकाबले का सिद्धेश वास्कर करते हुए लेकिन ये देखिए तेज तर्रार गेंद रन आउट का खतरा अश्विन पाटिल के पारी का खात्मा जिन्हें गेंद ये लाइन आपको ऑन द वे क्रॉस करनी है रुकना नहीं है वरना पेनल्टी मिलेगी रुकेंगे तो पेनल्टी है ये देखिए रुकेंगे तो पेनल्टी है और चिरनेर को दी जाती है दो रन की पेनल्टी क्योंकि उनका खिलाड़ी रुका हुआ था मैंने पहले ही कहा था ऑन द वे लाइन आपको क्रॉस करनी थी यानी कि अब पेनल्टी का झंझट ही खत्म हुआ बराबर दोनों टीमें बराबरी पर मैंने पहले ही कहा था ऑन द वे पहले से ही आप प्लानिंग बना के रखी है कि किस खिलाड़ी को आउट होने के बाद भेजना है गणेश सिद्धेश वास्कर ये देखिए खराब फील्डिंग जो पेनल्टी मिली थी उसकी भरपाई हुई 22 के तौर पर ये चार आए डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर बजते डीजे तिरनेर का या सचिन भवाड़ी
तो टीम का टोटल 10 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद और विकेट के नुकसान पर एक अश्विन पाटिल जिन्होंने क्या चौवा दागा था इस पहले ओवर में, जैसे उन्हें गेंद खेलने का मौका मिला था शॉर्ट पिच गेंद जो थी सिद्धेश वास्कर की तेज तर्रार, उस गेंद को उन्होंने निकाला था बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, लेकिन उनके रन आउट के बाद शायद अब ये टीम संभलेंगे कि नहीं संभलेंगे। चिरनेर विनीत स्पोर्ट चिरनेर सुजल सिद्धि भंगरपाड़ा के खिलाफ खेलते हुए और चिरनेर के हमारे दोस्त मशहूर कमेंटेटर राजेंद्र भगत के भाई यहां पर आ चुके हैं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। तो फिर से एक बार मुकाबले की तरफ हम रुख करेंगे जहां पर पहले ओवर में मुकाबला बैलेंस है, एक विकेट हासिल किया सुजल सिद्धि भंगरपाड़ा ने, तो दूसरी तरफ 10 रन बनाए गए विनीत स्पोर्ट चेन्नई की तरफ से, लेकिन ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच छोड़ा। ये स्टैंडर्ड जो है क्रिकेट का इस टीम भंगरपाड़ा का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फील्डिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल फील्डिंग नहीं हो रही है जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फील्डिंग होती है हमेशा मैंने इनकी देखी है। चेतन गोस्वामी की इस गेंद को निकालना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज गणेश राजेंद्र घरत साहब इस वक्त इस मुकाबले को देखते हुए, महेश स्पोर्ट शेलघर की ये प्रतियोगिता छठा साल, ये देखिए एज लगा लेकिन इस बार शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग हुई, महज मिला सिंगल, सिंगल के साथ टोटल आगे जाता हुआ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे अश्विन, जिन्होंने निजी 5 बनाए अपनी टीम विनेश स्पोर्ट चेन्नई के लिए। दूसरा ओवर चल रहा है पाबंदी वाला, 30 गज दायरे की ये पाबंदी, ये देखिए फुल टॉस गेंद लेकिन पिक नहीं कर पाए। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि ऑन द वे आपको जाना है, रुकना नहीं है। चार गेंदे उन्होंने खेली अपने इनिंग में लेकिन एक भी रन बना नहीं पाए, 0 के योगदान पर वापस पवेलियन। गेंदबाज चेतन तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद के लिए, सीधा खेला मेड ऑफ के ऊपर, इस गेंद को फील्ड तो जरूर किया लेकिन सिंगल जरूर मिला नए बल्लेबाज राकेश के बल्ले से, यह सिंगल आ चुका है और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनीत स्पोर्ट शिरनेर मैंडेटरी पावर प्ले की, अब आखिरी गेंद खेलेंगे बल्लेबाज गणेश, ये देखिए जो नजाकत भरा स्ट्रोक खेला था पहले ओवर में डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन अविनाश अश्विन पाटिल ने, उस बाउंड्री के बाद ऐसा लग रहा था कि ये तकनीकी रूप से सक्षम खिलाड़ी है, रन आउट का जो उन्होंने विकेट खोया जिसे कंप्लीट सुसाइड कहा जाता है क्रिकेट में, हत्या नहीं आत्महत्या माना जाता है, बगैर टीम मीटिंग बगैर टाइम पास ये 5 ओवर सुजल सिद्धि के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सुजल सिद्धि भंगरपाड़ा आपको पूरे करने हैं। और इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा सचिन गरत यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। गेंदबाज सिद्धेश वास्कर अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से
तीसरा ओवर करते हुए खोद कर निकाला, इसी ओवर कर गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक रन मिलता हुआ और इस एक रन से टोटल राकेश ने इस सिंगल को पूरा किया था। अपने बल्ले से गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, एक रन मिला, टोटल बना 15 रन। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यश लगी थी यहां तक आवाज आई थी, एक रन जरूर मिला नीरज राणावत और दत्ता मेहर की अच्छी अंपायरिंग। सिंगल सिंगल आते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने देखा 70 रनों का आसानी के साथ पीछा कर किया जा चुका था। क्या खूब मुकाबले हुए कल की रात, आखिरी मुकाबला भी काफी लुभावना हुआ था, सुनारी बनाम प्रियेश 11 सावड़े, लेकिन यह ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई कम। इसी के साथ ही आउट बल्लेबाज, ऑन द वे आपको जाना है, मैंने पहले ही कहा है रुकना नहीं है। धन्यवाद डीजे, काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है। सुजल सिद्धि भंगारबाड़ा के गेंदबाज सिद्धेश श्रीवास्कर द्वारा अपने इन तीन गेंदों में उन्होंने अपने स्पेल का जो दूसरा ओवर कर रहे हैं, उन तीन गेंदों में उन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला बल्लेबाज गणेश ने और ये रन आउट का विकेट खोया। फिर से एक बार ऑन द वे जाना है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको तैयार रखने हैं खिलाड़ी और ये ऑन द वे जा रहे हैं। अंपायर हमारे नीरज राणावत और दत्ता मेहर, लेकिन फिलहाल सिद्धेश श्रीवास्कर की ये गेंद एज लेती हुई मिस फील्ड हुई और गोली के रफ्तार से गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन जो जरूरी थे विनीत स्पोर्ट शिरनेर के लिए। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए आज संकष्टी बिल्कुल, लेकिन विकेट जीत 4 विकेट हुई है चेन्नई की टीम ने, काफी अच्छे रन बनाने होंगे उन्हें, काफी अच्छे रन बनाने होंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है, हावी होना है तो। लेकिन ये देखिए 22 के तौर पर 4 रन मिले, खराब फील्डिंग का मुजाहरा और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। महेश स्पोर्ट्स शेलघर के इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा सचिन घरत कुछ दिन अपने राजनीतिक कार्य में व्यस्त थे, लेकिन उनके साथियों ने कुशल हो या फिर प्रफुल्ल भगत हो या फिर अक्षय भगत, प्रणय मात्रे, उनके सभी साथियों ने जो मेहनत की है वो मेहनत आखिरकार रंग लाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं तो इन लोगों का भी नाम लेना जरूरी है जिनकी मेहनत की वजह से ये इतनी शानदार जानदार प्रतियोगिता हो रही है 6वें साल में भी। टोटल बना 25 बंदा हुआ और यह चौथे ओवर की पहली गेंद अंपायर का वाइट बॉल का इशारा जिसकी शुरुआत की थी नीलेश गोसावी ने। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त
अजिंक्य, चिरनेर को रनों की तलाश करनी होगी। ये देखिए, रनों की तलाश तो जरूर हुई है, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई और ये क्या मैच कैच पकड़ा, परफेक्ट कैच ऑफ द मैच जरूर मैं कहना चाहूंगा इस मैच के लिए, बहुत ही बढ़िया कैच लगता है। करण पाटिल इनकी तरफ से एक अजीबोगरीब इनाम आ चुका है, पर व्हाइट बॉल के लिए गेंदबाज के लिए 200 का इनाम आ चुका है, लेकिन ये गेंद हवा में दीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर एक आसान सा कैच और एक और सफलता मिलती हुई चेतन दिलेश गोसावी को। विकेट जा चुकी है, हर छक्की के लिए गेंदबाज आतिश दमड़े गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, यह आखिरी ओवर है इस सत्र का, पांचवा ओवर, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस गेंद को निकाला खोद कर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी मिली और इन दो रनों से टोटल बढ़ता हुआ
34 रन। पेनल्टी जो दी गई थी भंगारपाड़ा को वो बराबर हो चुकी है, यानी कि यहां से जितने रन बनेंगे उन्हीं रनों का पीछा करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था गोली के रफ्तार से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोशिश तो जरूर की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हुई और गेंद गई सीधा बाउंड्री पार 4 रन। सीधा 4 गई और इन 4 रनों से 38 पर आता हुआ टोटल। ये गेंद फिर से एक बार गेंद हवा में और ये 8वें विकेट का पतन हो चुका है विनीत स्पोर्ट चिरनेर का अनूप के तौर पर। सोनिया नए बल्लेबाज सोनिया जा चुके हैं मैदान के अंदर। महेश स्पोर्ट शिलगर विधायक ट्रॉफी 2017 छठा साल दूसरी रात और दूसरी रात के इस पहले मुकाबले में रनों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है टीम विनीत स्पोर्ट चिरनेर। 8 विकेटें जा चुकी है, क्या ये नंबर मिलेगा 6? लेकिन गेंद की उछाल और उस उछाल से बीट हुए डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी और मिला 4 और इन 4 रनों से हम देख रहे हैं 42 पर आता हुआ टोटल। और इस ओवर की आखिरी 2 गेंदे, इस ओवर की आखिरी 2 गेंदे बची है। 42 स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 50 भी बन सकते हैं लेकिन ये वेरिएशन के तौर पर जो स्लोअर वन की थी गेंदबाज ने वहीं से चकमा खाया। सिंगल जरूर मिला। जो बैनर लगा हुआ है मामा भांजे का वहां पर अगर कोई छक्का हिट करे तो 500 का इनाम है हमारे अशोक भगत साहब की तरफ से। तो इस प्रतियोगिताओं में अजीबोगरीब इनाम भी लगाए जाते हैं हर साल लेकिन ये 500 का इनाम करण पाटिल के एटीएम से ट्रांसफर होता हुआ इस आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज गणेश मात्रे के एटीएम में और यह छक्का जो जरूरी था जिस छक्के की वजह से एक अच्छा टारगेट सेट हुआ। टीम का टोटल 49 और जीत के लिए सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा को 5 ओवर में 50 की जरूरत। देखिए भंगारपाड़ा को 2 रन की पेनल्टी लगी हुई थी, ये टोटल बनता 51 और चिरनेर को 2 रन की पेनल्टी लगी थी उनमें से 2 रन माइनस हुए तो टोटल बनेगा 49 यानी कि पेनल्टी हुई है सेम तो 50 रनों का पीछा करना होगा सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। लेकिन दूसरे मुकाबले का टॉस जरूरी है और अंकुश भगत साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीजे मास्टर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा एक और माइक की सुविधा में उपलब्ध की जाए। अंकुश भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धन्यवाद प्रवीण। क्रिकेट रजनीच्या दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना चिरनेर आणि भंगारपाडा यांच्या दरम्यान सामन्याचा पूर्वार्ध झालेला आहे आणि त्या पूर्वार्धामध्ये चिरनेर संघानं 49 धावा आहे फलकावर लागलेले चिरनेर संघाच्या 50 धावांचं आव्हान आहे ते एक नावाजलेला संघ म्हणजे भंगारपाडा संघ। मला वाटतं एक चांगलं आव्हान द्यायचं असलं तर कमीत कमी 5 षटकामध्ये 65 घरामध्ये संघ असायला हवा। तसं म्हटलं तर हे हलकं असं आव्हान आहे ते भंगारपाडा संघापुढं, परंतु आजचा हा संकष्टीचा दिवस आणि चिरनेरच्या महागणपतीचा दिवस, तर महागणपतीच्या या दिवसाची चिरनेरला कशी साथ भेटतंय याच्या दिवसातल्या पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे। दरम्यान ताबडतोब सामन्यात सुरुवात करायचे, पंचाणी सामना सलामी जोडी मैदानात जाताना दिसायचे भंगारपाडा संघाची, भंगारपाडा संघाचा प्रतिनिधी इथं आहे ना,
चला मी थोडं सांगतो विचार. मैदानात जाताना दिसत आहे 50 धावांचं आव्हान आजच्या दिवसातला पहिला सामना. जोडी विकेटवर आहे परंतु स्ट्रायकर एनला कुणी आहे यानं नॉन स्ट्रायकर एन ते कन्फर्म व्हायचं आहे त्याच्यामुळे येतं. फलंदाजी नाव घ्यायला थोडंफार मैदानामध्ये कोणत्याही फलंदाजाने गार्ड बदलू नये आणि थ्रो गोलंदाज हा बाद केला जाईल. स्ट्रायकर एंडला कोण स्ट्रायकर एंडला येते निलेश आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला येते प्रीतम. तर चिरनेर संघाचा सलामीचा गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक घेऊन फास्ट मिडियम गोलंदाज कोण गणेश 14-15 पावलांचा रनवे. पहिला चेंडू आणि मला वाटतं चेंडू आलेला तो गॅलेक्सी मध्ये परंतु तिथं मला सीमारेषेच्या आता एक सुंदरसा मिड ऑनच्या दिशेनं पहिल्या चेंडूवर झेल आणि मला वाटतं गणपती बाप्पाची जिंकले संघाला. धन्यवाद तुझे संकष्टीचा दिवस आणि त्या दिवसामध्ये चिरनेर संघाला गावा गणपती बाबाची साथ लाभ देखील पहिल्या प्रथम सामन्याच्या पूर्वीच सांगितलं होतं आणि पहिल्या चेंडूवर पहिली सफलता. मला वाटतं काहीतरी दुखाबद्दल स्प्रेची मागणी स्वयंसेवकाने स्प्रे फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन जायचा आहे त्वरित सामना लवकर लवकर सुरू होण्यासाठी उपचार सुरू करावेत. मला वाटतं पंकज मात्रे फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन गेले आहेत. पहिल्या चेंडूवर पहिली सफलता न तिथं पहिलीच लचक भरलेली आहे स्प्रेची मागणी. पहिली विकेट गमावलेली आहे ती सलामीची बंगारवाडा संघानं. दरम्यान फर्स्ट एड झालेला आहे आणि आता सफल गोलंदाज गणेश आपल्या गोलंदाजच्या मार्कवर आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. फलंदाज आलेले आहेत ते आतिश. गणेश गोलंदाजच्या मार्कवर धावतोय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी. ब्लॉक गोलबद्दलचा चेंडू चेंडू दाबून काढलेला आहे फलत्रू मध्ये गोलंदाज पकडला आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. दोन चेंडूचा खेळ एक सफलता मात्र धाव फलकावर कुठली धाव अजून आपल्याला दिसत नाही. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावतोय गणेश राईटमोर मारतो आणि आज जोरदार मारलेला गॅलेक्सी षटकार. मला वाटतं गगनचुंबी गॅलेक्सी मध्ये गेलेला आहे चेंडू आणि आता धाव संघी गाव संघ आणि खात. धन्यवाद. पहिली विकेट गेली तरी कुठल्याही प्रकारचा प्रेशर न घेता आपले इरादे बंगारपाडा संघ स्पष्ट करताना दिसत आहे. षटकारानं धावसंख्या 6 सांघिक वैयक्तिक. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी गणेश धावतोय अनहंडेड बॉल. काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग रनिंग मध्ये झालेलं आहे. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावतोय आणि अपॉइंटमेंट काढले चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण खराब क्षेत्र मला वाटतंय आणि धावसंख्या चौकार ना धावसंख्या होते डबल फिगर. डबल फिगर 10 वर पोहोचते म्हणजे जी सरासरी आवश्यकता आहे ती पहिली विकेट गेलेली असताना पहिल्या चेंडू सुद्धा ती सरासरी मात्र बंगारपाड संघाने राखलेले एक अतिशय नावाजलेला आणि उदयास आलेला क्रिकेटच्या क्षितिजावर बंगारपाडा संघ. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावतोय गणेश जोरदार मारला फटका सरळ झेल आहे मला वाटतं लॉंग ऑनच्या दिशेनं कोणतीही गलती चूक न करता दुसरी विकेट.
हेलो कोपरोली आणि भंगारवाडा आपला माफ करा कोपरोली आणि गव्हाण कोपरोली आणि गव्हाण या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेक करण्यासाठी यायचंय दोन सबलता लागले ते पहिल्या षटपामध्ये गणेशला परंतु जी सरासरी हवी आहे ती सरासरी राखलेली आहे ती भंगारपाडा संघानं आयपीएल मधला सामना पण असाच झाला होता तो मुंबई इंडियन्स आणि आरसीबी पण पुढचा चेंडू अग्नि डावतोय गणेश आणि हा निर्धाव चेंडू पहिलं षटक संपलेलं आहे ते चिरणार संघ चिरणार संघाचं धाव संख्या आहे ती भंगारपाडा संघाची 2-10 म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये जी धावगती आवश्यक होती ती आवश्यकता राखलेली आहे ती भंगारपाडा संघानं मीटिंग जास्त चालू देऊ नये पंचांनी त्वरित सामन्याला सुरुवात अन्यथा वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन आलेले ते चिरनेर संघाचं कोपरोली और गवान के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं ये दूसरी बार आपको कॉल किया जा चुका है तीसरी बार कॉल करने से पहले आपको यहां पर आना है आतिश तो गवान के कप्तान यहां पर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं मैं कोपरोली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें मला वाटतं एक अनुभवी गोलंदाज आतिश मजबूत बांध्याचे आलेले आहेत ते चिरनेर संघाडून आपल्या षटकात येईल पहिला चेंडू टाकतोय फुल टॉस मध्ये चेंडू आणि अतिशय सुंदर असा स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं खरपूस समाचार घेतला आहे चेंडूचा आणि चेंडू सीमेबाहेर विरकावलेला आहे म्हणजे गॅलेक्सी षटकार प्रवीण धाव संख्या 10 वाटतोय प्रवीण तो अंकुश भगत साहब के शुभा तो टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का गवान और इस गेंद को निकाला सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर एक रन जरूर मिला और इस एक रन से 50 का पीछा करते हुए टीम का टोटल बन चुका है 17 रन 33 की अभी भी दूरी कोपरोली के कप्तान कौन अश्वित अश्वित स्पोर्ट्स कोपरोली और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मैदान के ऊपर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था अश्वित कोपरोली बनाम गवान आगे का मुकाबला होगा गवान टीम एकदम से उभर कर आई जब इन्होंने वल्लभ टूर्नामेंट में अव्वल नंबर का किताब हासिल किया इनकी गेंदबाजी इनकी बल्लेबाजी जब मैंने वहां पर देखी काफी पैनापन काफी सुधार इनके खेल में नजर आया लेकिन यहां पर हेलो गेंदबाज वापसी के द्वार खोलते हुए इस दो डॉट गेंदों के जरिए आतिश सिद्धेश वास्कर स्ट्राइकर एंड पर अश्वित स्पोर्ट्स कोपरोली बनाम गवान इलेवन गवान तो टॉस किसने जीता कोपरोली ने टॉस जीता अश्वित स्पोर्ट्स कोपरोली ने टॉस जीता लेकिन एक और डॉट गेंद और ऐसे जब डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ेगी तो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा बल्लेबाजों के ऊपर और उसी दबाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज द्वारा क्योंकि पहले ओवर में प्रति ओवर जो 10 की औसत थी उसे पा लिया था दो विकेट जरूर हासिल की थी चिन्नर के गेंदबाज ने लेकिन पहले ओवर में गणेश ने लेकिन ये बड़ी मछली यहां से इस मुकाबले में घुमाव आ सकता है सिद्धेश वास्कर जो लगातार डॉट गेंदे खेल चुके थे उसका दबाव खेल नहीं पाए
और गवान के पैकर के बारे में अगर कहा जाए तो मनोज फड़कर, मनोज फड़कर। और दूसरी तरफ है अशोक भगत, अश्वित स्पोर्ट्स कोपरौली। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस ने काफी बढ़िया जीत हासिल की। केरॉन पोलार्ड और कुणाल पांड्या की जो छठे विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, वही साझेदारी निर्णायक रही। लेकिन 160 रन अगर बनते आरसीबी के तो और ज्यादा मजा आता उस मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर मजेदार ओवर किया गेंदबाज गणेश ने, पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया था, उसके बाद सिंगल, उसके बाद लगातार चार गेंदे डॉट, और वहीं से सिद्धेश वास्कर जैसे बड़े खिलाड़ी की जो सफलता मिली है, सफलता जो हासिल हुई है इस टीम को, उस वजह से एकदम सी वापसी हुई है चेन्नई टीम की। गेंदबाज राजेश, गेंदबाज गणेश, जिन्होंने अपने पहला ओवर किया था स्पेल का, लेकिन यह देखिए सुजल सिद्धि बंगारपाड़ा के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इस ओवर की शुरुआत में ही आया ये दंदनाता हुआ छक्का। नीरज राणा व साहब का इशारा डी स्क्वायर लेग के बाहर। गणेश जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे थे, ये छक्का धागा बल्लेबाज आतिश, आतिश दमड़े, जिन्होंने इस स्क्वायर लेग जो सबसे लंबी बाउंड्री नजर आ रही है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उस बाउंड्री को क्लियर किया। ये देखिए एज लगा है, गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए, एक रन मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। सोबर में अब तक 8 रन आ चुके हैं, टीम का टोटल बन चुका है 25 रन, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, कल जिन्होंने कोशिश की थी कैलाश वसी प्रेमनाथ 11 मुरवी को जीत दिलाने के लिए मिडिल ऑर्डर में आकर, मुकेश ठाकुर इंडिया क्रिक के माध्यम से, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। ये देखिए ये गेंद, और इस गेंद को निकाला सीधा पॉइंट क्षेत्र पर, दूसरा रन। ये बंगारपाड़ा की खासियत है, सुजल सिद्धि बंगारपाड़ा की यही खासियत है, रन को वो छोड़ते नहीं। जैसे पहला तेजी से दौड़ते हैं, मौका मिले तो पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना, ये उनकी आदत है। 50 का पीछा करते हुए 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 23 की अभी भी दूरी है। लेकिन ये तीसरा ओवर चल रहा है, 10 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं, 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आतिश दमड़े द्वारा, ये शायद अच्छी गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद, डॉट निकालते हुए गेंदबाज गणेश। जैसे जैसे डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे इस मुकाबले में मजा आएगा। लेकिन रुकते हैं बल्लेबाज सोच के साथ कि आने वाले जो दो गेंदबाज हैं वो एक एक ओवर के होंगे, क्योंकि दो ओवर का स्पेल किया है गणेश ने। यह देखिए गलती यहां पर, गेंद हवा में, और तू लू या मैं लू इस चक्कर में इस कैच को छोड़ा गया, 2 रन मिले और ये तीसरा भी मिला। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन ये गलती जरूर की थी बल्लेबाज आतिश दमड़े ने, क्योंकि इस ओवर की पांचवी गेंद के ऊपर एक ऐसा शॉट खेला था जो 2 नंबर करने वाले गेंदबाज की आखिरी 2 गेंदें थी इस ओवर की, यानी कि गणेश की, एक अच्छे गेंदबाज की। रुकते हैं तो रन आसानी से बनेंगे, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, बराबरी होती है तो टॉस के आधार पर जीत दी जाएगी। ये देखिए ये गेंद दल के हाथों से मोड़ा कलाइयों के साथ मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला और इससे 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 31 रन, 12 गेंदे, 19 रनों की जरूरत। लेकिन अभी भी ना जीती है विनीत स्पोर्ट्स चिन्नर, ना जीती है सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा। 19, 12 गेंदे, 19 रनों की जरूरत, तो बिल्कुल ना जीता है विनीत स्पोर्ट्स, ना जीता है सुजल सिद्धि। लेकिन आगे का मुकाबला भी काफी बढ़िया होगा, एक तरफ होगी गवा बगैर टीम मीटिंग। सचिन गरत देखिए
थोड़ी से मैदान पर गुफ्तगू होने लगी। सचिन ने गरज की नजरें हमारी तरफ, लेकिन सचिन गरज खुद एक खिलाड़ी है। आप मैदान के अंदर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को आप भी बखूबी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं क्रूशियल मोमेंट पर किस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में सोच विचार के लिए कम से कम आधा मिनट तो देना ही चाहिए। और दोनों तरफ पेनल्टी दी जा चुकी है, देरी से आने के कारण भंगरबाड़ा को मिली, और ऑन द वे जो क्रॉसिंग ना हुई बल्लेबाजों की वजह से विनीत स्पोर्ट्सचिन्नर को भी पेनल्टी मिली। लेकिन 12 गेंदे 19 रन, गेंदबाज तैयार चंदन। निखिल स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर आतिश, गेंदबाजी की बागडोर चंदन, एक कांटे भरा मुकाबला, 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत। ये देखिए गेंद हवा में, ये हार्ड लक में कहूंगा चिन्नर का, क्योंकि कैच तक पहुंचने से पहले ही खिलाड़ी थोड़े से नीचे गिर पड़े थे, 2 रन मिले, 12 गेंदे 19 की जरूरत थी। एक आसान सा कैच था, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान हुआ दौड़ने में, और वो कैच जो लेना चाहिए था वो लिया नहीं गया। 11 गेंदे 17 की जरूरत, और ये लंबा छक्का आया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से। ग्यारह रनों की जरूरत अब छक्के के कारण, 11 गेंदे 17 की जरूरत थी, अब 10 गेंदे 39 पर आता हुआ टोटल 11 रनों की जरूरत, 50 का पीछा करते हुए 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बढ़िया गेंद ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गई। नीरज रणावत साहब का व्हाइट बॉल का इशारा जरूर हुआ है, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 10 गेंदे अब 10 रन, ये मुकाबला हुआ है बैलेंस। लेकिन ये गेंद, अच्छी गेंद और अच्छी गेंद की वजह से अब 9 गेंदे 10 की जरूरत। ये क्रिकेट है भाइयों, आखिरी गेंद जब तक गिर नहीं जाते इस क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन, और ये एच लेती हुई गेंद इस मुकाबले में फिर से एक बार वापसी के द्वार खोलते हुए चंदन। सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा बनाम विनीत स्पोर्ट्स चिन्नर का एक कांटे भरा मुकाबला आज की रात का, और आगे मुकाबले का टॉस जीता है अश्वित स्पोर्ट्स कोपरोली ने। आगे का मुकाबला शुरू होगा गवाण 11 गवाण बनाम अश्वित स्पोर्ट्स कोपरोली। कोपरोली ने टॉस जीता है। अब समय जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, अब तुरंत इस मुकाबले के फैसले के बाद अपने फैसले पर अमल करें। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, टोटल वहीं पर रुका हुआ, 50 का पीछा करते हुए 40 रन 10 की दूरी अभी भी, और इस ओवर की गेंद बची है 1, और आने वाली 6 यानी कि 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, यह बहुत ही बढ़िया वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन, 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत इस मुकाबले में फिर से एक बार पहना बनाता हुआ। लेकिन इस मुकाबले के लिए मैं बताना चाहूंगा, टॉस जीता है सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा ने, और अगर कहीं पर स्कोर इस लेवल यानी कि स्कोर अगर बराबरी पर होता है आखिरी क्षणों में, तो टॉस के आधार पर जीत दी जाएगी, यानी कि गेंदबाजी करने वाली टीम को अगर जीतना है तो इस ओवर में गेंदबाज को कम से कम 8 रन देने होंगे और कम से कम 9 रन बनाने होंगे भंगारपाड़ा टीम को अगर टॉस के आधार पर जीतना है तो, क्योंकि बराबरी के लिए 9 की जरूरत है और जीत के लिए 6 गेंदे 10 की जरूरत। और इस ओवर की आखिरी गेंद
इस ओवर जो इस सत्र का जो आखिरी है उस आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी है कप्तान ने राजेंद्र ने 12th मैन में। यहाँ पर देख रहा विनेश फोर्चुनर जिनके दिल की धड़कने तेज हो चुकी है, वहां पर बंदरपाड़ा के दिल की धड़कने तेज हो चुकी है। तो ऐसा होता है क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा खेल है। छिगेदे और 10 रनों की जरूरत, गेंद हवा में एक और सफलता मिलती हुई, यह छक्का क्लियर करना चाहते थे। ये देखिए ऑन द वे, आपको जाना है, रुकना नहीं है। पांच गेंदे 10 रनों की जरूरत, मैंने पहले ही कहा था ना जीता है विनीत स्पोर्ट चिरनेर, ना जीता है सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा। इस मुकाबले में अभी भी उतार चढ़ाव बाकी है, कोई नहीं यह कह सकता कि कौन सी टीम जीतने वाली है। क्या जीतेगी विनीत स्पोर्ट्स? और प्रसाद भोयर यहाँ पर आ चुके हैं हमारे साथी, जिन्होंने कल से हमारा साथ दिया इस प्रतियोगिता के लिए। आज की दूसरी रात और दूसरी रात में भी हम प्रसाद भोयर का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए सीधा खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बाउंड्री पार, चार रन, ये चार नहीं मानो थप्पड़ था। एक ऐसे मौके चार आए थे जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला निकलता हुआ नजर आ रहा है सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा की तरफ से, लेकिन इन चार रनों से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ। चार गेंदे छह की जरूरत, चार गेंदे जीत के लिए, छह बराबरी के लिए पांच रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया गेंद, तीन गेंदे छह रन, जीत तो बराबरी के लिए पांच। स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त बल्लेबाज चेतन, जिन्होंने चार गेंदे खेली अपनी इनिंग में, एक बाउंड्री हासिल की है। स्कोर इस लेवल तो टॉस के आधार पर, तीन गेंदे छह, जीत तो बराबरी के लिए पांच रनों की जरूरत। गेंदबाज राजेंद्र तैयार, और इस गेंद को निकाला शॉट, अच्छा कवर पर, खराब फील्डिंग हुई और गेंद सीधा गई चार रनों के लिए। और इन चार रनों से इस मुकाबले का समीकरण बिल्कुल दो रन। बिल्कुल, अगर ये शॉर्ट पिच गेंद अगर तेज होती तो मौका बनता, लेकिन टाइम करने का मौका दिया बल्लेबाज को। शॉर्ट पिच थी, काफी स्लो थी, उस वजह से जहां पर मारना चाहते थे वहां पर मारने का सपना पूरा हुआ बल्लेबाज का। कोपरोली, जो भी आपने फैसला किया हो उस फैसले पर आप तुरंत अमल करें। गेंदबाजी तुरंत, इस फैसले के बाद आपको अंदर जाना है। सचिन गरज समय के बिल्कुल पाबंद है। और ये देखिए इस मुकाबले में इस शॉर्ट गेंद के कारण फिर से पैना बंद, एक गेंद दो जीत तो बराबरी के लिए सिंगल, यानी कि कम से कम एक रन निकालना होगा इस आखिरी गेंद के ऊपर टॉस के आधार पर जीतना है तो सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा को और गेंदबाज को ये गेंद डॉट निकालनी है अगर मुकाबला जीतना है विनीत स्पोर्ट चिरनेर। क्या महागणपति का आशीर्वाद लेकर सच्चे दिल से आए हैं गेंदबाज, क्या इस गेंद को निकालेंगे डॉट? एक आखिरी गेंद, जीत के लिए दो और बराबरी के लिए एक रन। बिल्कुल फील्ड सेटिंग, डेमियन फ्लेमिंग की गेंदबाजी पर जो स्टीवन वॉ ने फील्डिंग सजाई थी लांस क्लूजनर के खिलाफ दो बाउंड्री जाने के बाद 1999 के वर्ल्ड कप में, कुछ ऐसी फील्ड सेट अगर होती है तो मजा आएगा। और उसी लाइन पे अगर जो गेंदबाजी की थी डेमियन फ्लेमिंग ने, उसी लाइन पे अगर गेंदबाजी होती है तो मजा आएगा। एक गेंद, जीत के लिए दो, बराबरी के लिए एक,
दिल की धड़कने हुई तेज, कौन जीतेगा सुजल सिद्धि भंगारवाड़ा या विनीत स्पोर्ट चिरनेर। और इस रन को पूरा किया, बराबरी तो हो चुकी है, टॉस के आधार पर इस मुकाबले को जीता सुजल सिद्धि भंगारपाड़ा ने। लेकिन तारीफ करनी होगी चिरनेर की भी, जो 50 रन बचाते हुए उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से संघर्ष किया। कोपरोली ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, गवर्न और कोपरोली, कि आपका 12th मैन यहां पर होना जरूरी है। और 500 का इनाम था गणेश, जिन्होंने छक्का दागा था। गणेश मात्रे, गणेश मात्रे को जिन्होंने छक्का दागा था चिरनेर के लिए, करण पाटिल इनकी तरफ से। और ये भंगारपाड़ा संघाने कुठे ही जायचं नाही आहे, यानंतर लगेच तुमचा सामना आहे, लगेच नाही ना काय। मॅन ऑफ द मॅच आतिश।